गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारतीय परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा सामूहिक परिचर्चा की प्रकृति तथा उसके उद्देश्य। लास्ट वीडियो में हमने सामूहिक परिचर्चा के अर्थ के बारे में जाना कि सामूहिक परिचर्चा का अर्थ क्या होता है। इस अर्थ से हमने ये जाना है कि सामूहिक परिचर्चा जो हमारा एक शिक्षण कार्य होता है, उस शिक्षण कार्य में किसी विशेषज्ञों के द्वारा हमारे उस शिक्षण विषय पर चर्चा होती है, वो सामूहिक परिचर्चा होती है, जिसके अंदर हमें एक ग्रुप बनाया जाता है। और ग्रुप के लिए ये भी बताया था कि ग्रुप में हमें एक अध्यक्ष की नियुक्ति करनी होती है। साथ में हमने ये जाना था कि सामूहिक परिचर्चा में हमें एक ही शिक्षक, यानी कि जब हम एक ही विषय पर एक ही शिक्षक से जो ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान में हमारी बढ़ोतरी नहीं होती। अगर हम ये सामूहिक परिचर्चा करते हैं और हमारे पास विभिन्न विषय विशेषज्ञ आते हैं और ये सामूहिक परिचर्चा का आयोजन होता है, तो हम इसमें हमारे जो ज्ञान होता है उस विषय से संबंधित, उस ज्ञान में भी हमारे बढ़ोतरी होती है। इसके लिए कहते हैं कि ये हमारे आधुनिक, जो हमारे आधुनिक काल में ये सबसे बेस्ट हमारी विधि है सामूहिक परिचर्चा, जिसमें हम ये देखते हैं कि सामूहिक परिचर्चा क्यों, क्योंकि जो सामूहिक परिचर्चा या हम जब हम पढ़ते हैं, कक्षा में हम पढ़ते हैं, तो शिक्षक के द्वारा जो व्याख्यान होता है, कहते हैं कि व्याख्यान विधि में कहीं ना कहीं छात्रों में निरसता आ जाती है, लेकिन सामूहिक परिचर्चा में क्या होता है, वो निरसता नहीं आती, जिसमें हम अपने ज्ञानों की वृद्धि करते हैं या कहें कि सभी अपने विचारों को वहां प्रकट करते हैं। इससे क्या होता है कि भीड़ होता है और उस टॉपिक में इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट जागृत होता है कि किस तरीके सब अपने विचारों को उसमें अभिव्यक्ति देते हैं। इसीलिए इसके लिए कहते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में हमें ये महत्वपूर्ण विधि है। साथ में अनेकों विशेषज्ञों के द्वारा हमें उस टॉपिक, उस विषय वस्तु, उस समस्या के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण नॉलेज प्राप्त होती है। इसीलिए हमारा जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में हमने कहा था कि जो सामूहिक परिचर्चा है, सामूहिक परिचर्चा का शिक्षण के लिए सबसे पहले काम में ली गई थी, वो थी 1929 में, यानी कि 1929 में सर्वप्रथम कक्षा शिक्षण के लिए जो प्रयोग किया था। और ये जो प्रयोग जो किया था 1929 में, इनके जो जिन्होंने प्रतिपादित की थी, इस प्रक्रिया को काम में ली थी, वो थे हमारे ओवर स्ट्रीट ने किया था। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामूहिक परिचर्चा की प्रकृति, कि किस नेचर पर यह कार्य करती है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है वाद विवाद। किस पर होता है? किसी शैक्षिक समस्या तथा पाठ्यक्रम संबंधी समस्या। यानी कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, यानी कि किसको चुनती है ये? शैक्षिक समस्या तथा शैक्षिक समस्या और पाठ्यक्रम समस्या। शैक्षिक समस्या व पाठ्यक्रम संबंधी समस्या। क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए कहा है ना कि ये शिक्षण की क्रिया के लिए है, तो इसमें बताया कि सामूहिक परिचर्चा की जो प्रकृति है वो प्रकृति है किसी शैक्षिक समस्या पर कार्य करना, या हमारे पाठ्यक्रम संबंधी जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं पर इसका आयोजन किया जाता है। इन्हीं के लिए हम इनका आयोजन करते हैं। सेकंड है हमारा, प्रथम हो गया हमारा शैक्षिक समस्या तथा पाठ्यक्रम संबंधी समस्या। इन्हीं समस्याओं को लेकर हम विभिन्न सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करते हैं। सेकंड है हमारा इसमें कि जो छात्रों से हम जो प्रश्न करते हैं और साथ में जो प्रश्नों के उत्तर हमारे लिए प्राप्त होते हैं, ये दोनों ही सामूहिक परिचर्चा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि ज्ञान में वृद्धि कब होगी? जब बच्चे स्वयं प्रश्नों का उत्तर देंगे और साथ में
प्रश्न पूछूंगी, क्योंकि जिज्ञासु प्रवृत्ति की जो छात्रों में जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति किसके माध्यम से जागृत होती है, हमारे प्रश्नों के माध्यम से और साथ में हमारे उत्तरों के माध्यम से। हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है, जब उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति जागृत होती है तो वो क्या करता है, वो अपने माता पिताओं से प्रश्न पूछते रहते हैं। उन प्रश्नों के कारण उस प्रश्न से ही क्या होता है, उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होती जाती है। इसीलिए अगर हमें किसी चीज के बारे में परिचर्चा करनी है तो सबसे अच्छी चीज होती है हमारे प्रश्न पूछना और साथ में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना। तो सेकंड जो इसकी प्रकृति है, इसमें छात्रों के प्रश्नों तथा उत्तरों को महत्व दिया जाता है। छात्रों के प्रश्न व उत्तरों को यानी कि आंसरों को महत्व दिया जाता है, ये इसकी सेकंड प्रकृति हो गई। यानी कि किस पर कार्य करती है, ये प्रश्न पर और उत्तरों पर। क्योंकि प्रश्न के साथ में ज्ञान में बढ़ोतरी होती चल जाती है, ज्ञान आगे बढ़ता जाता है, साथ में हम उन्हीं प्रश्नों के हम आंसर प्राप्त करते हैं, इससे हमारी जो समस्या होती है उस समस्या का हमें सलूशन मिलता चला जाता है। जिसके लिए हम कहें कि हमें जहाँ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम उन छोटे छोटे उद्देश्यों को हम पूरा करते हुए चले जाते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड कि जो वाद विवाद के जो रूप होते हैं वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं। वाद विवाद के प्रकार औपचारिक व अनौपचारिक रूप में होता है। यानी कि दोनों रूपों में होते हैं, जो भी हम वाद विवाद करते हैं वो हम दोनों रूप में, यानी कि समस्या हमारी औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक। औपचारिक मतलब जो हम जिस शिक्षा संस्था से हम पढ़ रहे हैं उस शिक्षा से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित, हमारे पढ़ने के तरीके से संबंधित, हमें क्या कहते हैं कि जिस विषय का हम ज्ञान ले रहे हैं उस विषय के ज्ञान के लिए हमारी जो औपचारिक, जिस संस्था से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उससे संबंधित जो समस्याएं आती हैं उससे हम इस परिचर्चा के माध्यम से दूर करते हैं। अनौपचारिक जो हमारे विद्यालय से बाहर की हमारी समस्याएं होती हैं, हो सकती है कुछ समस्याएं हमारी सार्वजनिक होती हैं, हमारी कोई फैमिली प्रॉब्लम होती है, हमारी आर्थिक समस्याएं होती हैं, तो कहते हैं परिचर्चा इन सभी, कोई हमारा पर्यावरण संबंधी कोई मुद्दा होता है तो कहते हैं कि ये सब समस्याएं जो होती हैं ये समस्याएं भी हमारी इस सामूहिक परिचर्चा में शामिल किया जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि इसमें जो सामूहिक परिचर्चा में जो वाद या जो ड्यूट हम करते हैं वो हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में हम करते हैं। औपचारिक कार्यक्रम को पहले से बनाया जाता है जिसके विशिष्ट नियम और अनुसरण होते हैं। किसको? औपचारिक को हम निर्धारित कर लेते हैं, पहले से ही निर्धारित करते हैं, और इसके लिए जो भी हमारी सामग्री होती है हम उसके लिए जितनी भी हमारे इस जो हमारा से हम परिचर्चा करेंगे उससे संबंधित हमें जो भी सामग्री का जो सामग्री चाहिए उन सामग्री को हम गठित करते हैं। क्योंकि जब हम इस किसी कार्य को पूर्व निर्धारित करेंगे तो उससे संबंधित हमारी विभिन्न जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का हम एक निर्धारण कर लेते हैं, साथ में हम हमारे इसके लिए एक समय निर्धारित हो जाता है। तो औपचारिक अगर हम कोई भी औपचारिक सामूहिक परिचर्चा करते हैं तो उसे हम पहले से यानी कि पूर्व नियोजित कर लेते हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ कि छात्रों की ऐसी व्यवस्था करें कि उन पर हम किसका चयन करना पड़ता है, हमें नेता का चयन, जिसके लिए कहते हैं सामूहिक परिचर्चा में हम एक अध्यक्ष बनाते हैं, एक अध्यक्ष का चयन करना होता है, हम उस अध्यक्ष का चयन करते हैं। छात्रों द्वारा व्यवस्था करने हेतु नेता का चयन
यानी कि हम इसके लिए एक अध्यक्ष का चयन करते हैं, यानी कि जब हम उनके लिए छात्रों के लिए व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था करने पर उन्हें नेता का चयन करना होता है, यानी कि हम छात्रों के लिए जो व्यवस्था करते हैं, किस तरह से उन्हें बिठाना है, किस तरीके से उन्हें बोलना है, किस ग्रुप को पहले बोलना है, कितने समय के लिए बोलना है, किस टॉपिक पर बोलना है, ये सब जब हम व्यवस्था करते हैं, इन व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए हमें एक अध्यक्ष का चयन करना होता है सामूहिक परिचर्चा में। क्योंकि कहते हैं कि सामूहिक परिचर्चा जो हम ग्रुप डिस्कशन हम करते हैं वो एक बड़े लेवल पर होता है, तो उसे अनुशासित रखना, उसे नियंत्रित रखना, किस तरीके से उसे संचालित करना, ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो हम ऐसे व्यक्ति का इसके लिए चयन करते हैं जो कि इस कार्य के लिए कुशल होता है, या हम कहें कि जो इस तरीके से कार्य को संचालित करने में से पूर्ण तरीके से वो एक तरीके से प्रभावपूर्ण होते हैं, हम उन्हें ही इस चीज के लिए कि आपने इस अध्यक्ष पद के लिए उन्हें निर्वाचित करते हैं, जिससे कि जो हम सामूहिक परिचर्चा का हम आयोजन कर रहे हैं वो सामूहिक परिचर्चा एक अच्छा और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो, जिसमें अनुशासन रहे, या कहें कि जिस तरीके से हम लिमिटेशन लेके जिस कार्य को उद्देश्य को हम लेकर चल रहे हैं वो हमारा एक सही ढंग से पूर्ण तरीके से ये संपन्न हो। इसीलिए हम छात्रों द्वारा व्यवस्था करने हेतु हमें किसका चयन करना होता है, हम नेता का चयन करते हैं तथा उसके कार्यक्रम को बनाते हैं। कौन? अध्यक्ष। अध्यक्ष इस कार्यक्रम को बनाते हैं तथा कार्यक्रम सुनियोजित करते हैं, ये इसकी प्रकृति होती है। ये प्रकृति है हमारी किसकी? हमारी ग्रुप डिस्कशन की। ग्रुप डिस्कशन की तो ये हमारी प्रकृति हुई। अब हम पढ़ेंगे इसके उद्देश्य। अब हम उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे कि सामूहिक परिचर्चा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, यानी कि एम क्या, इसमें किन तरीके से किन उद्देश्यों को लेकर हम इस कार्य को पूरा करते हैं, इसके लिए हमें किस तरीके से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कहते ना, उद्देश्य से ही हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो किस तरीके से हम इसके लिए जो सामूहिक परिचर्चा, उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों का हम यहाँ वर्णन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि सामूहिक परिचर्चा का उद्देश्य होता है सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का, सांस्कृतिक यानी कि उसमें ये सब गुण होने चाहिए, सांस्कृतिक, सामाजिक व नैतिक मूल्यों का छात्रों में विकास करना, यानी कि इन सभी मूल्यों का छात्रों में विकास करना, ये हमारी सामूहिक परिचर्चा का उद्देश्य होता है। यानी कि हमारे देश की संस्कृति के बारे में जाने, हमारे क्या सामाजिक राइट्स हैं इनके बारे में जाने, हमारे क्या नैतिक मूल्य होते हैं छात्रों के उनके बारे में। कहते हैं ना कि जब हम बच्चों को शिक्षा देते हैं तो जब तक उन्हें व्यवहारिक शिक्षा ना दी जाए तो उन्हें जो शिक्षित होना उनके लिए, कहते हैं ना, शिक्षित होना हमारे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन हमें कहा जाता है कि अगर हम शिक्षित हुए हैं तो हमारे अंदर इन सभी गुणों का हमें विकास होना चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छे शिक्षक बन, अच्छे छात्र बन सके, या हम कहें हमारे देश के एक अच्छे नागरिक बन सके। अगर हमें अच्छा नागरिक बनना है तो हम हमारी संस्कृति का सम्मान करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे, हमारे क्या सामाजिक कर्तव्य होते हैं, या हम कहें कि हमारे जो समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उन्हें हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, उसमें किस तरीके से अपना योगदान निभा सकते हैं, साथ में हमारे समाज के प्रति हमारे क्या राइट्स हैं हम उन्हें पूरा नहीं करें, साथ में हमारे नैतिक मूल्य, जैसे हम जाने कि हमारे बड़ों का सम्मान करना, दया करना, परोपकार, जब तक हमारे अंदर
शिक्षा के माध्यम से इन सभी मूल्यों का विकास नहीं होगा तो ऐसी शिक्षा लेना हमारे लिए व्यर्थ होगा जब जिसमें कि हमारे इन सभी गुणों का विकास ना हो। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है सांस्कृतिक, सामाजिक व नैतिक मूल्यों का छात्रों में विकास करना। ये हमारे जो सामूहिक परिचर्चा है इसका पहला उद्देश्य ही होता है। सेकंड है हमारा कि छात्र को हम क्या बनाते हैं, इसमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्णय और आत्मचिंतन की क्या मिलती है, आत्मचिंतन के स्थान पर हमें मौखिक अभिव्यक्ति सहायता जागृत करना, यानी कि हम किस तरीके से कहते ना कि आत्मविश्वास तो होगा लेकिन हम उसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, क्योंकि जो हमारी सामूहिक परिचर्चा होती है इसमें हमने देखा है कि उसमें से प्रत्येक सदस्य को अपने विचार की अभिव्यक्ति करनी होती है, अपने विचारों को प्रकट करना होता है। तो उसमें वही चीज है कि जो हम स्वनिर्णय लेते हैं, जो हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है, उस आत्मविश्वास को हम बाहर किस तरीके से निकाले उस मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा, वो हमें यहाँ पर सिखाया जाता है। यानी कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्णय, जो हम स्वयं हमारे मन से हम जो निर्णय लेते हैं, साथ में आत्मचिंतन, इन सबके आत्मचिंतन के स्थान पर मौखिक अभिव्यक्ति, यानी कि किस तरीके से ओरल तौर पर वो अपनी मौखिक अभिव्यक्ति दे सकते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति की सहायता जागृत करना, ये हमारा उद्देश्य होता है इसका कि किस तरीके से हम हमारे आत्मविश्वास को प्रेजेंट कर पाते हैं, हमारे स्वनिर्णय को हम प्रेजेंट कर सकते हैं और जो हम सोचते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, उस चिंतन को हम किस तरीके से बाहर निकालते हैं हमारे शब्दों के माध्यम से, ये हमें सामूहिक परिचर्चा बताते हैं कि किस तरह से ये कहे तो हमें बोलने की जो स्वतंत्रता दी जाती है, यानी हम किस तरीके से हम हमारा प्रेजेंटेशन करते हैं, ये हम सामूहिक परिचर्चा के माध्यम से सीखते हैं। फिर आता है हमारा जो हमारी समस्या होती है उस समस्या का विश्लेषण करके अधिगम को प्रभावी बनाना, समस्या का विश्लेषण करके यानी कि पहले कहते ना कि हमारी जो समस्या होती है उस समस्या को हम क्या करते हैं, विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं, विश्लेषण करके अधिगम को प्रभावी बनाना, ये भी हमारा इसका उद्देश्य होता है। यानी कि हम देखते हैं ना कि एक तरह से जो हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित होता है तो हम क्यों उसे विभिन्न भागों में हम उसे विभाजित करते हैं, हम उसकी इकाई उपइकाई के रूप में हम उनका विभाजन करते हैं ताकि हम उस तरह अधिगम जो करें, हम जो सीखें, वो सीखने का काम हमारे लिए आसान हो जाए। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि हम सामूहिक परिचर्चा में जो टॉपिक लेते हैं हम उस टॉपिक का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करके हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उसका अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए, यानी कि जो हम सीख रहे हैं हम उसे अच्छे से सीखने के लिए या हम उसे आसान बनाने के लिए उसे हम इसका विश्लेषण करते हैं, जिससे कि हमारा अधिगम क्या होता है, प्रभावी होता है। ये हमारा इसका थर्ड उद्देश्य था। अब है हमारा इसका फोर्थ उद्देश्य कि वाद विवाद द्वारा मनोरंजन के साथ साथ हम हमारा क्या होता है, ज्ञान वर्धन करना, मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान वर्धन करना। हम देखते हैं जब सामूहिक परिचर्चा का आयोजन किया जाता है तो हमारे पूरी तरह से कहते हैं ना कि जिस टॉपिक पर, कई बार ऐसे टॉपिक होते हैं जिन टॉपिकों के बारे में हमारे मनोरंजन तो होता ही होता है, साथ में हमारे उस मनोरंजन के साथ साथ हम उस ज्ञान उसके बारे में हम
ज्ञान भी अधिक से अधिक प्राप्त करते हैं। इसलिए इसमें कहते हैं मनोरंजन के साथ साथ हमारा ज्ञान वर्धन भी उसमें होता है, अर्थात हमारे ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है। जिस विषय के बारे में हमारा ज्ञान एक लिमिट का था, सीमित था, वही हमने इसके माध्यम से हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। यानी कि मनोरंजन के साथ जब हम सामूहिक परिचर्चा में एक दूसरे से मिलते हैं, हम बातचीत करते हैं, हम हंसी मजाक भी करते हैं, यानी कि मनोरंजन भी होता है और मनोरंजन के साथ साथ हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती चली जाती है। अब है नेक्स्ट कि समस्या से संबंधित सूचनाओं, तथ्यों तथा आंकड़ों को विशेषज्ञों की सहायता से प्राप्त करना, यानी कि जो भी हम सूचना प्राप्त करते हैं, यानी कि समस्या संबंधी सूचना, आंकड़े, जो भी हम उसके लिए आंकड़े प्राप्त करते हैं साथ में तथ्यों के साथ, यानी कि जो फैक्टेड हम उसके लिए, एक फैक्टेड होता है ना कि हर चीज के लिए क्या सत्य है, वो फैक्टेड सूचना, तथ्य तथा आंकड़ों के साथ साथ आंकड़ों को विशेषज्ञों की सहायता से प्राप्त करना। यानी कि हम जिन चीजों की हमने सूचना ले रखी है, हमने उससे संबंधित आंकड़े जो गणना करते हैं, वो आंकड़े भी हमने निर्धारित कर रखे हैं, साथ में हमारे पास उसके फैक्टेड भी हैं, लेकिन वो सब फैक्टेड हम किससे प्राप्त करते हैं, हमारे विषय विशेषज्ञों के माध्यम से हम उन फैक्टरों को जानते हैं। तो ये कहते हैं कि वो ही हमारी इस चीज के बारे में, इनको प्राप्त करवाने में हमारी सहायता प्रदान करते हैं। और लास्ट हमारा इसका उद्देश्य होता है कि छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना के साथ, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना के साथ, सहयोग की भावना के साथ साथ, यानी कि उनमें एक तरह की सहयोग की भावना जागृत होती है। हम सामूहिक परिचर्चा कर रहे हैं, समूह में रह रहे हैं, तो एक दूसरे के सहयोग की भावना भी इससे जागृत होती है। यानी कि सहयोग की भावना के साथ साथ व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना। कहते हैं ना, हम जितना छोटा सोचेंगे उतनी हमारी सोच छोटी रहेगी। अगर हम ग्रुप में उच्च स्तर पर सोचेंगे, सहयोग की भावना से सोचेंगे, तो हमारा दृष्टिकोण भी कैसा होगा, व्यापक होगा। यानी कि केवल हम स्वयं अपने बारे में ना सोच के हम सभी के बारे में सोचेंगे। तो ये हमें हमारा सामूहिक परिचर्चा इस भावना का विकास करता है कि हम हमारे लिए स्वयं के साथ सीखने के साथ साथ हम दूसरों के बारे में भी सीखें, जिससे कि हमारा दृष्टिकोण एक बड़ा हो सके, व्यापक हो सके, जिसमें हम स्वयं अपने साथ साथ हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, ये भी कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में हमारे साथ चले। और यही सामूहिक परिचर्चा का उद्देश्य होता है कि स्वयं अपने बारे में सोचने के साथ साथ हम दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों के साथ हमारी सोच को हम कैसे मिला सकें, ये हमारी सामूहिक परिचर्चा का उद्देश्य होता है। तो आज हमने ये देखा कि सामूहिक परिचर्चा की प्रकृति क्या है और उसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। धन्यवाद।